नमस्कार, मैं नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। अभी मेरे सामने एक पीड़ित व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं जो लखीसराय जिले के हैं। इनकी पीड़ा यह है कि वहाँ टावर पर बतौर ऑपरेटर गार्ड के काम करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, जिसका नाम प्रसाद कंस्ट्रक्शन है, जिसका कॉन्ट्रैक्टर कृष्णनंदन प्रसाद करके कोई हैं। वहाँ ये 10 सालों से काम करते आ रहे हैं। 8 साल तक लगभग सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पिछले 2 साल से इनका दरमाहा वहाँ बंद है, न प्रसाद कंस्ट्रक्शन दे रही है, न BSNL दे रही है, और लगभग 10 दिनों से वहाँ डीजल की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, जिस कारण से टावर बंद है। उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता अब सबको छोड़कर वहाँ ही उपलब्ध पाए जाते हैं आसानी से, तो इनको परेशान करती है। तो हम आइए, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। आप भी इन्हें सुने, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कष्ट है। सर श्री नवाज जी। जी सर, आपका क्या समस्या है ज़रा बताया जाए। मेरा समस्या है सर, भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत USO साइट मिली में टावर निर्माण हुआ है सर। वहाँ विगत 10 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। काम ठीक ठाक चल रहा था। पिछले 2 वर्ष से इस टावर को संचालित करने के लिए जो सामग्री है, उस सामग्री में भी विभाग आनाकानी करती है। मेरा दरमाहा मजदूरी जो कही वो भी रुका हुआ है। हम इस कंपनी के अंदर ऑपरेटर बतौर गार्ड के रूप में काम करते हैं। काम करने के दरमियान जो समस्या होती है नेटवर्क संबंधी, विभाग हमें दिशा निर्देश करती है, करते आ रही थी। 6 अप्रैल 2018 से बिल्कुल मेरे जिला टेलीकॉम प्रबंधक मुंगेर हमारा फ़ोन भी इंटरटेन नहीं करते हैं। समस्या सुनने की बात ही नहीं। स्थानीय भारत संचार निगम लिमिटेड के कन्हैया मेहता लखीसराय को भी मैंने फ़ोन के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे साथ ये कंडीशन है, यहाँ 24 घंटा टेलीफोन सेवा होनी चाहिए, ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ का उपभोक्ता विशेष तौर से हम पर रिजिट हो जाता है कि आप जानबूझ करके टावर सही नहीं चलाते हैं, इसमें आपका कुछ खोटापन स्थिति है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। टावर चलाने हेतु जो डीजल आपूर्ति होनी चाहिए 24 घंटा का टावर संचालन के लिए, मेरे पास बैटरी मेकअप नहीं है बढ़िया। तो पिछले 8 महीना से STO साहब के माध्यम से मुझे मात्र 5 घंटा का डीजल आपूर्ति होता है। मात्र 5 घंटा का डीजल आपूर्ति होता है। बिजली की व्यवस्था है कि नहीं? बिजली बगल से गई है लेकिन विभाग अभी तक लिया नहीं। ये तो टावर वाले 5 घंटा ही चलता? जी जी, 5 घंटा से चलता था। 18 घंटा 19 घंटा बंद? जी बिल्कुल बंद। इस परिस्थिति में उपभोक्ता रिजिड होकर के मेरे ऊपर कुछ से कुछ उपद्रव भी करना शुरू कर दी। मैं विभाग के नज़दीक रखा कि मेरे साथ ये समस्या है, हमारा जान भी इसी परिस्थिति में जा सकता है, मेरे ऊपर मारपीट भी हो सकता है, अर्थात भारत संचार का जो सामान है यहाँ रखा हुआ उसको हम 24 घंटा देखते हैं, माने आप उसे छोड़ के भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्थिति बना हुआ है मेरा। उस टावर का जो इंचार्ज भी आती है उसका चाबी होगा मेरे पास। आपका जब दरमाहा बंद हुआ, डीजल बंद हुआ, तो आपने चाबी क्यों नहीं लौटाते हैं? मैं चाबी सर दूँ तो किसको दूँ? प्रसाद कंस्ट्रक्शन जो संवेदक थे, जो चाबी आपको दिए? जी जी, जो चाबी हमको दिए उनका कहना है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब विभाग इसका मालिक है, विभाग जाने का, विभाग के नज़दीक आप बात रखिए। और फिर आपका जो पैसा बचा प्रसाद कंस्ट्रक्शन की है, उनका कहना है कि हमारा काम खत्म, जब तक मेरा काम था हम तब तक का दरमाहा दे चुके हैं,
इसमें भी हमने ज़्यादा दरमाहा दे दिया आपको, ज़्यादा मजदूरी हमने दे दिया आपको। तो उन्होंने ये बताया कि कब तक हमारा काम था, कब तक हमसे हमारा इससे मतलब रहा है? नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा स्पष्ट हमको नहीं कभी बोले हैं। सीधा बोले कि हमारा काम खत्म। जी जी, अगर कंस्ट्रक्शन हमको बोल दिए होते कि मेरा काम अमुक डेट तक रहेगा, इसके बाद विभाग जाने, तो हमको लगता कि कुछ गाइडलाइन कंस्ट्रक्शन के द्वारा मिला है। लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं दिया सर। आप कंस्ट्रक्शन भी पल्लू झाड़ देते हैं, कोई सर कोई सलाह भी नहीं दिया कि भाई हम वहाँ से हट रहे हैं, अपने आप समझिए। जी जी जी, कोई सलाह कुछ नहीं किया, कैसा कुछ नहीं सर। अब परिस्थिति यह है सर कि एक तो हमारा जो मजदूरी होना चाहिए, बकाया मजदूरी, उसका भुगतान नहीं। दूसरा, बिना मजदूरी का सरकार का सारा संसाधन को देख रेख करना। कितनी राशि मिलती है आपको मजदूरी के बतौर? न्यूनतम कहा जाए हुजूर, आज के ज़माने में वो मजदूरी कोई खास मजदूरी नहीं था। मात्र 70 रुपया पर डे के हिसाब से 2100 रुपया 30 दिन का होता है। 70 रुपया तो है, माने लेबर का भी दैनिक मजदूरी नहीं है। यही ये इसी ढंग का मेरे साथ शोषण होते गया है सर, इसको भी हमने झेला है। चूँकि मेरा गाँव उरेन है, उरेन मैंने आपको मात्र 70 रुपया मिलता था? जी जी, मात्र 70 रुपया प्रसाद कंस्ट्रक्शन, प्रसाद कंस्ट्रक्शन 8 साल तक मिला? जी 8 साल तक मिला। 70 साल पे रोजाना पर आपने काम किया? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, और 24 घंटा काम हमने किया। अच्छा, तो अब आप जब वह कंस्ट्रक्शन चला गया, जी सर, तो आप BSNL के अधिकारी से मिले, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हमसे कुछ बोलते तक नहीं है। आप वो साफ सीधी सी बात होता है, बोलते हैं कि हमने आपको नहीं रखा, हम आपको नहीं जानते। जबकि टेलीफोन सेवा अगर बाधित होती है, वही पदाधिकारी चाहे मुंगेर से हो या लखीसराय से हो, हमें फ़ोन करके निर्देशित करते हैं और समस्या से अवगत होते हैं कि साइड डाउन क्यों है। अच्छा, बाकी सही है, वो बोलते हैं कि आपको हम रखे नहीं। जी, लेकिन भैया तो पता है कि टावर चल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, तब सोचना चाहिए सर। जब बंद होती है तो आपको आपको याद करते हैं, फोन करते हैं कि बंद क्या हो, चाहे हर बात पूछते हैं। जी, हमसे पूछते हैं। उस समय हम उनका आदमी हो गए, उस समय हम विभाग का काम करने वाला कार्यकारिणी हो गए। जब आपकी समस्या होती है तो कहते हैं आपको हम नहीं जानते। जी, हम आपको नहीं जानते हैं सर। इस परिस्थिति में हमारा शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। दूसरा, अब स्थिति ऐसा बना हुआ है कि भारत सरकार का करोड़ों रुपया का सामान हुआ इन्वेस्टमेंट है, दो दो DG रखा हुआ है, PTS मशीन रखा हुआ है, बैटरी बैंक रखा हुआ है। अब इस परिस्थिति में टावर संचालन भी नहीं होता है, उपभोक्ता भी हम मेरे ऊपर आक्रोशित होते हैं, मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूँ सर। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को आगे बड़े पदाधिकारी के नज़दीक रखें, ताकि उनको आनाकानी करने में नहीं बने। इसके लिए आप न्यायालय वगैरह भी नहीं गए? न्यायालय सर, रास्ता जब बनेगा तो न्यायालय जाएंगे, जाना पड़ेगा ही, क्योंकि न्यायालय का काम तो हो चुका मेरे साथ। आखिर दोहन शोषण कब तक होते रहे? तो ये इनकी समस्या आप लोगों ने इनके मुंह से ही सुन लिया कि इनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और BSNL के पदाधिकारियों द्वारा। अब आप ही सोच सकते हैं कि आदमी 2 साल से किस तरह अपना जीवन बिता रहा होगा, वो भी 70 रुपये दैनिक मजदूरी पर, जो हिंदुस्तान के हमको नहीं लगता है कि किसी भी विभाग में सबसे न्यूनतम मजदूरी भी 70 रुपये नहीं होगी। खैर, तो बात आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि हम मजदूरी विभाग कितना इनके नाम पर देती है और मजदूरी कहाँ जाती है। लेकिन इनके ये कह रहे हैं कि हमको मिलता है 70 रुपये मजदूरी, वो भी 2 साल से नहीं मिल रहा है, तेल भी बंद है, टावर बंद है, टावर बंद है तो उपभोक्ता को तो अधिकारी मिलेंगे दूर वहाँ से, लेकिन आसानी से मिल जाते हैं, उनको भी ये झेल रहे हैं। चुनाव का समय है, अभी चुनाव का समय आ गया, अब तो वहाँ हर बूथ पर वहाँ पुलिस वाले जाएंगे, पदाधिकारी लोग जाएंगे, और सभी के पास हमको लगता है BSNL के ही मोबाइल सिम होते हैं, जो सरकारी सिम होते हैं, वो जब बंद हो जाएगी तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब जाते हैं BSNL में तो इनको बोलता है पदाधिकारी लोग कि आपको हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब 2 साल से कॉन्ट्रैक्टर भी इनके संपर्क में नहीं और पदाधिकारी लोग जान रहे हैं कि वहाँ पर श्रीनिवास सिंह होंगे, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो इनको फ़ोन करके बताता है कि श्रीनिवास जी क्या प्रॉब्लम है, क्यों टावर बंद है या क्या दिक्कत है, या 1 साल तक तेल भी आपको विभाग ही दिया? जी हाँ हाँ, 1 साल तक विभाग इनको तेल दे रहा है, इनसे काम करवा रहा है, लेकिन जब ये अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको हम नहीं जानते हैं।
तो आप सोच सकते हैं इस देश के विधि व्यवस्था में किस तरह की गड़बड़ी हो रही है। जिस तरह से ये व्यक्ति पीड़ित होकर के हमारे पास आए हैं सहारा लेने के, इस माध्यम से हमको न्याय मिल जाए और हमारी जो बकाया मजदूरी है वो मिल जाए और हमारी जो रोजी रोटी है वो आबाद रहे। क्या श्रीनिवास जी, जी 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 काम भी आप करना ही चाह रहे हैं, काम छूटे भी नहीं। जी जी तब तो दो साल से बिना मजदूरी के वहाँ काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए उसके बाद इनका इनसे चाबी भी कोई नहीं ले रहा है और भारत सरकार की उतनी बड़ी प्रॉपर्टी इनके हाथ में है और कब वहाँ पब्लिक है जिसका मोबाइल सेवा बंद होगा 10 दिन 12 दिन से, कब किस समय किस तरह का कदम उठा ले कोई कभी देख। सुनते हैं आजकल आप लोग कहीं टावर में आग लगा दिया तो दिया हो सकता है, उस दरमियान उपभोक्ता का नियत न हो कि इनकी हत्या कर दें, लेकिन कुछ भी हो सकता है वो न करे लेकिन हो जाए। तो इस तरह का यह जुल्म के शिकार हैं तो मैं इनके बातों को विभाग तक पहुंचाऊंगा ताकि इनको न्याय मिल जाए, इनकी मजदूरी मिल जाए और इस अवस्था में अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं दूसरी नौकरी करने, वहाँ अपना रोजी रोटी करके अपना जीवन परवरिश करें। तो यह इस तरह की समस्या अगर आप लोग के पास भी हो तो हमारे चैनल को इस पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और दें और हम आपको संबंधित विभाग से न्याय दिलाने का काम करूँगा। इन्हीं के साथ जो है समस्या जो है जिसके पास होता है इसी तरह से गुजरते रहता है। तो हम आपके सामने फिर आते हैं अगले खबर के साथ, आप बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ।